विच वन? मैं सोहा में पैक कर रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। और ये हो गई है मेरी पैकिंग स्टार्ट। देयर यू गो, बारी बारी जाएगा वहां पे। तो हटो, मुझे हैंड कैरी में सामान पैक करना है। जल्दी से हम अपना सामान रख देते हैं। ये क्या है? What is this? इसमें ये नहीं रखना था। ये आपके कपड़े नहीं जा रहे हैं, ओके? और ऊपर क्या रखा है आपने जिप में? ये चेक करते हैं। ये इसने अपनी पैकिंग खुद ही कर ली है। ओ माय गॉड, ये तुमने अपने कपड़े निकाल के यहाँ रख दिए सारे। ये तो जाने ही नहीं है, ये नहीं जाने हमारे साथ हैं? ये नहीं जाएंगे। आपके दूसरे कपड़े दूसरे बैग में पैक हैं, इसमें हम पैक करेंगे कुछ और, ओके? यस। और ये बैग में वापस लूंगी अब, ओके? चलो। हाँ सोहा, पीश पीश सोहा। ओएमजी, इतना लगेज। हाय हाय, उठाना कितना मुश्किल है, लेकिन चलो। Thank God, किस में फिट हो गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? एक्चुअली मेरा ट्रेवल स्टार्ट हो चुका है और हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये भी सीक्रेट है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमने अपना सामान सारा पैक कर दिया है गाड़ी में। टू मच सामान है, तो इंशाल्लाह होपफुली कि सब कुछ चला जाएगा आराम से। क्योंकि यू नो, जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपके पास बहुत सामान होता है और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन होपफुली हम मैनेज कर लेंगे। और बस अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम होने वाला है, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है अराउंड 10:30। तो इंशाल्लाह हमारी फ्लाइट कुछ ही आवर्स में है, तो सी यू देयर। अल्लाह हू अकबर। You like it, Soha? That's good. Soha ka food aa raha hai. Soha? Soha? आ गया है।
keep going so hard. फाइनली मैं अपनी एक डेस्टिनेशन पे आ गई हूँ. इट्स नॉट लाइक यहाँ पे हमारा ट्रांजिट है फॉर फ्यू आवर्स, देन इंशाल्लाह हम दूसरी फ्लाइट लेंगे सुबह में. और इतना टायरिंग नहीं है अभी, लेकिन कुछ घंटों बाद बहुत टायरिंग हो जाएगा. और बस अभी हम बाहर जा रहे हैं और आई थिंक अगर बच्चों ने कुछ खाना है तो खा सकते हैं इजीली. और बस कुछ नहीं, सफ़र बहुत अच्छा गुजरा. लेट्स सी के इंशाल्लाह आगे तक भी अच्छा ही गुजरे और मैं आपको ज़रा दुबई एयरपोर्ट दिखाऊँ. There you go. इंतहाई ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन. मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑलवेज, चाहे विंटर में आऊँ या समर में आऊँ. समर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी क्योंकि आउटसाइड वेदर इज अराउंड 40 degrees. फील्स लाइक मुझे नहीं पता, लेकिन फ्लाइट पर बताया था कि अराउंड 40 degrees है. तो लेट्स सी अभी बाहर जाते हैं क्या हालत होगी हमारी. लेकिन सो फार अंदर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और बस अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए. चल रहे हैं नॉन स्टॉप चल रहे हैं और ख़त्म नहीं हो रहा चलना. एग्जिट पता नहीं कहाँ है, अभी भी बहुत दूर है. और लेट्स सी थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे. लेकिन मुझे ऑलरेडी एयरपोर्ट पर इतनी गर्मी लग रही है तो बाहर कितनी गर्मी होने वाली है. ऑल दो यहाँ पे एयर कंडीशन चल रहे हैं बट स्टिल काफ़ी गर्मी हो रही है. और सोहा बहुत इन्जॉय कर रही है. सोहा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा चाहे गर्मी हो सर्दी हो. सोहा कह रही है बस हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं एंड आई एम गोना एंजॉय माय हॉलीडे. सोहा my god
लकी हुए। तुम जो बोले थे पापा को डांटे आ जाए बेटा जी जी चले आओ। हमारा हमारे के लिए दो तीन बंदे खड़े हैं उनके सपने भी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? नहीं देर लगी। सलाम। रियली? तो आपने दादा अब्बू के साथ जा रही हैं बस गाड़ी में बैठी और हम फाइनली पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। वेरी टाइट लेकिन बस पहुंचने के बाद जी पापा अभी लगेज ले रहे हैं टाइम लगेगा। अच्छा मैं बाहर की गाड़ी में बैठ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पहुँच गए हैं खैरियत से और अपने घर जा रहे हैं। अम्मी बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए। काफ़ी लेट हो गए क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी सी देर से चली है दुबई से और मोर और लेस लाइक एन आवर का फ़र्क पड़ा है। सोहा जाके अपने दादा अब्बू के साथ बैठ गई हैं और अपनी बहनों के साथ जाके बैठ गई हैं। मैं यहीं पर व्लॉग को एंड करूँगी। इट्स ऑलरेडी वेरी टायरिंग। और सब अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।